नमस्कार महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रीगण और विधायकगण और मेरे सिक्किम के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं सर्वप्रथम इस देशभक्तिपूर्ण आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके टीम को बहुत साधुवाद देता हूँ। हमारे देश के जवान देश की रक्षा के लिए जो अपने जान न्योछावर करते हैं, उनके प्रति पूरे देश को एक तरफ सम्मान और एक तरफ गर्व की भावना रहनी चाहिए। आज सिक्किम में उस सम्मान की भावना और इस गर्व की भावना को एक व्यक्त करने के लिए इस अच्छे कार्यक्रम की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारे वीर जवान देश की रक्षा के लिए दिन रात सीमा के ऊपर खड़ा होकर मेहनत करते हैं और जब देश की रक्षा करने का वक्त आता है तो एक क्षण में अपना जान भी न्योछावर करने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे वीर जवान जो सीमा पर खड़ा होकर हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए आज हम देश के अंदर चैन से नींद ले पा रहे हैं। इस बीच जो भारत तिब्बत सीमा पर चीनी सेना के जो बर्बर हमले में, क्रूर हमले में जो हमारे 20 नौजवान पराक्रमी जवान जो शहीद हुए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि समर्पित करना हर एक देशभक्त नागरिक का कर्तव्य है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सिक्किम की जनता ने उन वीर जवानों के प्रति जो श्रद्धांजलि समर्पित करने जा रहा है, आपके साथ उस श्रद्धांजलि समर्पित करने के कार्य में मैं भी शामिल होते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता और आनंद हो रहा है। जो जवान सीमा पर शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को हमारी सांत्वना है। पूरा देश उनके कष्ट में उनके साथ है, पर पूरे देश को उन वीर जवानों के बलिदान पर गर्व भी है कि देश की सीमा का एक एक इंच की भूमि की रक्षा करते हुए वे जवान शहीद हुए हैं। वे इस देश के कोटि कोटि जनता का जो भाव के जो दिल के अंदर जो भावना है उसी को सम्मान करते हुए अपने जीवन को न्योछावर किया है। हम सभी उनके प्रति अत्यंत आभार व्यक्त, अत्यंत श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं और मानते हैं कि देश की करोड़ों जनता उनके बलिदान से प्रेरणा लेगी। देश के सीमा और देश की भूमि की हर एक इंच की जमीन की रक्षा करने में पूरा देश और हमारी सरकार निरंतर तत्पर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।